बहुत दिनों से वीडियो अपलोड नहीं किया हमने, सोच रहे वीडियो अपलोड कर ही दूँ। इस एग्ज़ाम के चक्कर में ना भाई वीडियो ही नहीं अपलोड कर पा रहा मैं। भाई कितने सारे एग्ज़ाम्स भी मतलब हो गए हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम्स हो गए हैं, दो एग्ज़ाम तो बाकी है यार। ठीक है यार भाई, आज चलो एक वीडियो बना ही लेते हैं। तो भाई ब्रॉल स्टार्स का मैंने करा ही नहीं था, तो ब्रॉल स्टार्स भाई आप लोग आ गए हो तो कहीं आप लोगों को बता देते हैं। तो कहीं आज मैं करने वाला हूँ भाई ब्रॉल स्टार्स का अपडेट टेस्ट। हाँ आप लोगों ने सही सुना, अपडेट टेस्ट। भाई आज मैं ब्रॉल स्टार्स का अपडेट टेस्ट करने वाला हूँ। मतलब भाई मैं ब्रॉल स्टार्स के जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कैरेक्टर्स है, जो डिफरेंट टाइप्स का आपको जो डिफरेंट टाइप्स के कैरेक्टर्स तो हैं, उसके साथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो ब्रॉलर्स हैं जो कि मैंने अब तक अनलॉक किए, उनकी पावर मैं आपको टेस्ट करके दिखाने वाला हूँ, उनकी हेल्थ दिखाने वाला हूँ, उनकी इतनी एबिलिटी है, उनकी स्पेशल पावर्स दिखाने वाला हूँ, एंड उनकी उसके साथ साथ उनका डैमेज, उनका अटैक भी दिखाने वाला हूँ। तो आज के वाली वीडियो भाई बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिकॉज आज की वाली वीडियो में भाई हम ब्रॉल स्टार्स के मेजर अपडेट जो कि है कि ब्रॉल स्टार्स की स्पॉन्जबॉब भी आ गया है अभी, वो भाई अपडेट मैं आज देखने वाला हूँ, वो अपडेट मैं आज टेस्ट करने वाला हूँ। एंड उसके साथ साथ भाई भाई हमारे यार बहुत सारे मैंने ऐसे ब्रॉलर्स अनलॉक किए अभी तक, जैसे कि फ्रैंक हो गया, एडगर हो गया, फिर जेसी हो गया, जैकी हो गया, उसके बाद भाई और भी बहुत कुछ है, और उसके साथ साथ पोको हो गया, फिर बार्ले हो गया, ये सारे डिफरेंट डिफरेंट ऐसे ब्रॉलर्स हैं जो कि अभी तक मैं अनलॉक करने वाला नहीं, कर चुका हूँ। ठीक है, एंड सबसे ज़्यादा पावरफुल ब्रॉलर मैं जस्ट जो है मेरे यहाँ पे इतने सारे ब्रॉलर्स में जो कि है वो फ्रैंक एंड एल प्रीमो है। एंड एल प्रीमो आपको पता ही होगा, एल प्रीमो का बहुत सारे स्किन्स मैंने अनलॉक किए हैं, उसके साथ साथ एल प्रीमो के जो डैडी वायल है वो है, ये सारे डिफरेंट डिफरेंट ब्रॉलर्स हैं जो कि मेरे पास अभी तक हैं। बात कम करते हैं, फटाफट चलते हैं गेम। तो गाइस आज भाई मैं फिर से खेलने वाला हूँ ब्रॉल स्टार्स, जैसे मैंने आपको बताया, तो फटाफट से यार शुरू करते हैं। भाई आज हम अपडेट्स के बारे में जाने, भाई बहुत सारे अपडेट्स आए हैं भाई ब्रॉल स्टार्स में, तो आज हम उसी अपडेट्स के बारे में जानेंगे। यहाँ यार मैंने बहुत सारे ब्रॉलर्स पे अनलॉक किए, उसमें से भाई एक ये फ्रैंक है, जिसकी भाई हेल्थ आप देखो यार, मतलब भाई हेल्थ देखो आप, जैसे पावर मैंने 8 करके रखा है, 11 तक पावर है इसकी। एंड मैंने इसके बहुत सारे ऐसे स्किन्स अनलॉक किए, जैसे कि पैरासिन फ्रैंक हो गया, डीजे फ्रैंक हो गया, नॉर्मल हो गया, यहाँ यार ये हुआ। एंड उसके बाद ये तो आपको पता ही होगा शायद से, मुझे लगता है मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था मुझे, या फिर नहीं मुझे ये नहीं पता, बट मैं फिर भी दिखा दे रहा हूँ। इसकी एच पी 10,000 है और फ्रैंक की एच पी 11,000 है, 11,390 11,390 है, और इसका एल प्रीमो का 10,200 है, और डैडी वैन का ये एल प्रीमो का भी बहुत सारे मैंने स्किन्स लेकर रखे हैं, एल प्रीमो, एल रूडो प्रीमो हो गया, एंड एल एटोमेक हो गया, तो ये सारे स्किन्स हैं एल प्रीमो के। मैंने बहुत सारे स्किन अनलॉक किए, मैंने पैसे देकर अनलॉक किया, मैंने रेयरली अनलॉक हो गया। जेसी का मेरे पास एक स्किन है समर जेसी वाला, एंड जेसी का तो आपको पता ही है 5,000 एच पी है, 5,100, एंड फ्रैंक का 11,390 है, डैडी वैन का है 10,070, और उसका है वो एल प्रीमो का है 10,200, और ये है एडगर, इसकी एच पी भाई थोड़ी सी कम है, और ये भी भाई अच्छा है, मतलब एपिक ब्रॉलर है, इसमें इसकी एच पी 4,950 है, और इसका पावर मैंने 6 तक बढ़ा कर रखा है, 11 मैक्स है, अभी तक कोई वैसा मैक्स नहीं है, एम्स है ये कंट्रोलर, इसकी भाई ज़्यादा नहीं, इसका एच पी भी ज़्यादा नहीं है, उसका अटैक भी ज़्यादा नहीं है। फ्रैंक का अटैक 2,000 है, इसका अटैक सिर्फ 884 है एम्स का। नीता का तो आपको पता ही होगा शायद से, मुझे लगता है मैंने पिछले वाले वीडियो में दिखा होगा, ये ब्रॉक जो कि ये मार्क्स मैन है और हेयर ब्रॉलर है, एंड इसके भाई मैंने ये रॉकेट फेंकता है भाई बहुत तेज़, एंड ये है 8-bit जो कि मैंने रिसेंटली अनलॉक किया, आप लोगों को दिखाया नहीं, इसके लिए मैंने 5 करके रखी है। ये बुल जो कि टैंग एक हेयर ब्रॉलर है, ये है पोको, एंड उसके बाद ये तो आपको पता ही होगा बीओ, ये सबसे ज़्यादा अच्छा है, नहीं जैकी सुपर रेयर है, जैसी की तरह ही है सुपर रेयर, एंड शेली तो आपको पता होगा मैंने पिछले वाले वीडियो पे इससे ही खेला था, ये स्टार्टिंग ब्रॉलर है। उसके बाद लिली है मेरे पास असासिन, उसके बाद कर्ल है मेरे पास, ये डैमेज ले, ये भी सुपर रेयर है। उसके बाद मेरे पास रोज़ा है जो कि टैंक ब्रॉलर है और रेयर है ये बहुत, एंड उसके बाद मेरे पास मॉर्टिस है, ये भी मैंने रिसेंटली अनलॉक किया था इस 8-bit के साथ साथ, ये भी असासिन है, और उसके बाद कॉल्ट है, ये तो आपको पता होगा शायद से, डायनामाइक है मेरे पास, उसके बाद स्टू है, ये असासिन है, ये मैंने आज ही अनलॉक किया रिसेंटली, तो ये मैंने अनलॉक किया स्टू असासिन है, और इसकी हेल्थ ज़्यादा नहीं है वैसे,
3200 इसकी है, चाहे इसका पावर मैंने अभी तो बड़ा नहीं, आज अनलॉक किया जिसका पावर अभी तो मैंने बड़ा ही नहीं, सिर्फ 1 ही है इसका पावर। इसका पावर मैं बाद में बढ़ाऊंगा, बट मैं अभी नहीं बढ़ाने वाला। इसको मैंने 6 लेवल तक अपग्रेड कराया, बट इसकी हेल्थ ना ज़्यादा नहीं है। मैंने फ्रैंक को 9 लेवल तक, तो मुझे पॉइंट खेल रहा हूँ बस। ये भी एक एपिक ब्रॉलर है, ये इसको मैंने 3 लेवल तक एपिक ब्रॉलर है, अच्छा गेम ये है। लेवल पे ये अभी भी बहुत सारे बैटल जीता है। क्वेस्ट में देखते हैं भाई क्या क्या न्यू आया है। एंड आप ये भी देख सकते हो, नोटिस कर रहे हो कि भाई स्पॉन्जबॉब का भी एक सीजन आ रहा है। मतलब स्पॉन्जबॉब ऊपर लिखा है, मतलब स्पॉन्जबॉब स्क्वायर पैंट सभी ब्रॉल स्टार्स में है। ये सबसे बड़ा अपडेट है। फिलहाल मैं भाई जेसिका ये पहले कलेक्ट कर लेता हूँ। जेसिका ब्रॉन्ज मेडल आ गया, ये मैंने कलेक्ट कर लिया। एंड भाई अभी मैं स्टू से खेलने वाला हूँ। मैं आज आपको कुछ कुछ ब्रॉलर्स दिखाने वाला हूँ कि कैसे हैं। एंड अगर सब ब्रॉलर्स आज की वीडियो में कवर नहीं होने वाले, बिकॉज मेरे पास अभी 23 ब्रॉलर्स है, मैं सब आज की वीडियो में कवर नहीं करने वाला। मैं कुछ कुछ ब्रॉलर्स ही कवर करूँगा, जैसे कि ये पहला वाला हो गया स्टू। उसके बाद मैं देखूँगा भाई, मतलब जितने ब्रॉलर्स हो सके मैं उतने ब्रॉलर्स आज खेलूँगा। एंड उसके बाद मैं बाकी के ब्रॉलर्स आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊँगा। ऐसे करके पार्ट बाई पार्ट हम खेलते रहेंगे। मैं आप देख सकते हैं स्पॉन्जर आपका है। एंड पार्ट बाई पार्ट मैं आपको दिखाता भी जाऊँगा, मतलब पार्ट बाई पार्ट मैं आपको वो भी दिखाऊंगा कि पार्ट बाई पार्ट कैसे खेलते हैं। फिर मैंने पार्ट बाई पार्ट में आपको वो भी दिखाऊंगा कि पार्ट बाई पार्ट मतलब कौन सा ब्रॉलर क्या करता है। एंड जो जो ब्रॉलर मेरे पास नए हैं वो मैं आपको ट्राई करके दिखाऊंगा। मतलब जो जो एपिसोड आने वाले हैं, अपकमिंग एपिसोड आने वाले हैं, बिकॉज ब्रॉल स्टार्स का भी बहुत एपिसोड आने वाले हैं। अरे भाई इसको मार, इसको मार भाई, इसकी देखो भाई इसकी एबिलिटी है कि ये फायर वर्क की तरह छोड़ता है। देखो ये फायर वर्क की तरह छोड़ता है, इसकी ना रेंज भी बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये एक ऐसा मतलब एपिक ब्रॉलर माना जाता है। बहुत ज़्यादा पावरफुल है मेरे हिसाब से, बिकॉज इसकी जो इसका डैमेज बहुत ज़्यादा है और इसका रेंज भी बहुत ज़्यादा है। अरे अरे तो भाई मुझे बचना पड़ेगा भाई, ये लोग आ गए भाई, मेरी हेल्थ भाई पूरी डाउन हो गई भाई। वैसे भी इसकी जगह ये ज़्यादा बन रहा है। इसको दिखाता हूँ, इसको स्टू की पावर दिखाता हूँ। रुको, इसको स्टू की पावर दिखाना चाहिए भाई, ये ज़्यादा कर रहा है यार। इसको मार। भाई इसकी एक एबिलिटी है कि एनिमी से दूर जाने के लिए मैं ये भी यूज़ कर सकता हूँ। देखो ये सुपर, इसका सुपर है कि मैं एनिमी से दूर जाने के लिए सुपर यूज़ कर सकता हूँ। काश अगर कोई ऐसा हुआ मतलब कि एनिमी मेरे पास ही आ गया, तो मैं इस सुपर को यूज़ करके उससे पास जा सकता हूँ, जिससे मैं अटैक से बच पाऊँ। जैसे कि एल प्रिमो हो गया, देखो इससे मैं जैसे बच गया। और फिर ये कर्ल एक्चुअली ये भी मेरे पास है, और भाई मैं जीतने वाला भाई आज मैं बताई दे रहा हूँ भाई। ये देखो भाई इसको मारो भाई, बड़े मेरी हेल्थ। ओ भाई देखो मैंने इसको भाई मार दिया है। एंड फाइनली भाई मैं हूँ फर्स्ट रैंकर यहाँ पे। टू भाई बहुत ही ज़्यादा एपिक प्रॉब्लम, अच्छा प्रॉब्लम माना जाता है। मुझे लगता है यार, पता नहीं यार इसकी मतलब हेल्थ इतनी कम क्यों है, बट नॉर्मली इसका अटैक बहुत ज़्यादा डैमेज करता है। एंड इसके अटैक में ना जो एबिलिटी है मतलब वो किसी के अटैक में नहीं है, मतलब इसका अटैक दूर जाता भी है एंड जब तक लगता है तब तक लगता है, ठीक है। तो जब लगता है उसके बाद डैमेज बहुत ज़्यादा पड़ता है। इसकी वन लेवल भी ऐसी है भाई, जब मैं इसको पूरा अपग्रेड करूँगा तो भाई क्या होगा, मैं पूरा हाइपर चार्ज करूँगा तो क्या होगा। फिर मैं डुओ छोड़ाऊँगा भाई, आज मैं एडगर के साथ खेलने वाला हूँ। पहले मैं आपको स्टू का सैंपल दिखा दिया, अब मैं एडगर के साथ आपको सैंपल दिखाने वाला हूँ। ये भी एक एपिक प्रॉब्लम से माना जाता है। एडगर नहीं है, मैं काम करता हूँ भाई, पहले फ्रैंक दिखा देते, बिकॉज फ्रैंक बहुत ज़्यादा पावरफुल है एडगर से भी। मतलब जो जितने भी प्रॉब्लम मेरे पास अभी तक है 23 प्रॉब्लम में से फ्रैंक सबसे पावरफुल है। उसकी हेल्थ भी ज़्यादा है, उसकी अटैक भी ज़्यादा है। उसका अटैक 2108 है एंड उसका हेल्थ जो है अभी जितना मैंने अपडेट किया है 11390 है। सबसे ज़्यादा मतलब किसी प्रॉब्लम का 11390 नहीं है, पर फ्रैंक का 11390 HP है, मतलब 11390 हेल्थ है भाई। ये बहुत ज़्यादा है भाई मेरे लिए तो। और मैंने DJ फ्रैंक लेकर रखा है, तो इसका अटैक भी थोड़ा डिफरेंट है। देखो मैं जब इसको मारूंगा तब थोड़ा सा ऐसे DJ टाइप्स का ही वाइब है, बट अगर हम नॉर्मल फ्रैंक को लें तो वो ऐसे ऐसे पत्थर तोड़ने का ऐसा आवाज़ करते हैं, मतलब नॉर्मली पत्थर तोड़ने का दिखाता है। पर देखो यहाँ पर अगर मैं किसी ब्रॉलर को मारा तो मैं आपको दिखाता हूँ, उनको कोई ब्रॉलर आ क्यों नहीं रहा मेरे पास भाई। किसी समय जब मेरे पास कुछ होता नहीं तब तो आ जाते हैं भाई, एंड अभी नहीं आ रहे। जब अरे अरे भाई मेरा टीम में चला गया भाई, मुझे जीतना पड़ेगा यार। एंड यहाँ पे यार इन्होंने भाई ये मारा मारी चल रहा है यहाँ पे, और ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि ये देखो मैंने ये अटैक करा, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि भाई सब आते हैं और भाई आकर मुझे ही पीटते हैं। ये क्यों है भाई, मुझे ये एकदम बिल्कुल पसंद नहीं है एकदम इन लोग। अरे ये भाई ये मॉर्टिस है, इसका ये पावर एबिलिटी ये है कि ये ट्रांसपोर्टेशन कर सकता है। एंड इस DJ फ्रैंक को देखो भाई,
इसका भाई एबिलिट, अरे यार मोटिस दूर जा रहा है, ठीक है यार उठते हैं भाई, दोनों एक साथ उड़े भाई, ये क्या है भाई, तो भाई मजाक में, अरे भग जा भग जा भाई, मेरी एच पी देखो भाई, मेरा टीम मेट भी चला गया, मैं अकेला ही बचा हूँ, देखो भाई ऊपर आपको दिख रहा होगा टीम मेट का काउंट डाउन चल रहा है, मतलब जब तक मैंने डी डुओ शोडाउन ना, डुओ शोडाउन में हम दो लोग खेलते हैं, एक मैं एक मेरा फ्रेंड, तो ये मेरा फ्रेंड तो नहीं है बट अननोन कोई है, मुझे पता नहीं है, बट ये फ्रेंड की तरह मेरे पास यहाँ पे काम कर रहे हैं, मतलब फ्रेंड की तरह ये ब्रॉलर है सब बना है, क्योंकि मेरे साथ अटैक करने में मदद कर रहे हैं भाई, और सोलो शोडाउन में हमको अकेले ही खेलना पड़ता है। देखो मैंने एक जन को मार दिया, अरे यार इनकी ना रेंज बहुत ज़्यादा है, फ्रैंक की रेंज एकदम अच्छी नहीं है, इसलिए भाई फ्रैंक मुझे इस रीज़न की वजह से थोड़ा बहुत पसंद नहीं है, यार ये क्या है यार, अरे भाई मेरा टीम मेट पर चला गया, अरे शिट 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 भाई भाग भाग भाग, अरे भाई मैं अकेला पड़ गया यार, शिट अबे कहाँ पर कहाँ जाओ भाई, मैं फंस गया वे यार, मैं मर गया शिट यार। तो इसमें ना ये रूल्स होते हैं कि जब तक आपका जो है, जब तक आपका फ्रेंड स्पॉन नहीं होता तब तक आपको भी नहीं मरना, अगर आपका फ्रेंड स्पॉन होने से पहले आप मर गए तो आप आउट हो गए, अगर आपका फ्रेंड मतलब जब रिवाइव हो गया उसके बाद आप मरे तो आप फिर भी जिंदा रहोगे, मतलब फिर भी आप रिवाइव कर पाओगे। ना ये स्टू बहुत अच्छा प्लेयर था, इसका देखो हाथ से फायर स्टेंस निकल रहा है, ये बहुत अच्छा मुझे लगता है। तो स्टू के एक बार डुओ शोडाउन में खेल कर देखते हैं, मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट मैचेस में डिफरेंट डिफरेंट प्लेयर्स को खेलने दिखाने वाला हूँ, एंड एक नेक्स्ट भी आया है, सोलो शोडाउन तो है, डुओ शोडाउन भी है, एंड एक नेक्स्ट जो स्पॉन्जबॉब के इस सीरीज में आया है मेनली, क्योंकि ट्रियो शोडाउन वो भी मैं आज खेलने वाला हूँ, उसमें भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कौन कौन से जैसे कितनी एच पी है, कितना वो मार सकते हैं, कितना उनका डैमेज है, कितना उनका हेल्थ है। फिलहाल ये मेरे पास है क्योंकि आपको दिख रहा है ना गैस छोड़ रही है, ये मेरे पास है, ये एम्स है, ये मेरे पास है, पर यार मुझे ये मार रही है भाई, मुझे मरना नहीं है भाई, मुझे जीतना है भाई, मुझे मरना नहीं है। तो गाइस अगर आप चाहते हो कि भाई मैं इन सब का ऐसे करूँ, इन सब का ऐसे बनाऊँ, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये मेरे पास ऐसा मेरे साथ है, ये जो टीम का सेकंड मेंबर है मेरा, ये जो मेरा फ्रेंड की तरह से ब्रॉलर है, ये पता है ये एक लेजेंडरी ब्रॉलर लेके आया है, तो भाई मैं सारे ब्रॉलर जो मेरे पास अभी तक नहीं है, क्योंकि जो ब्रॉलर्स मेरे पास अभी तक है उनको तो मैं ट्राई करने वाला हूँ, बट भाई जो ब्रॉलर्स मेरे पास अभी तक नहीं है, जैसे पाइपर हो गया, फिर लियॉन हो गया, क्रो हो गया, तो ये सब जो मेरे पास नहीं है वो मैं आपको भाई खेल के दिखाने वाला हूँ, बट मैं आज के अपडेट में नहीं दिखाने वाला, क्योंकि भाई अगर आज के अपडेट में मैं दिखाने गया तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, तो भाई आप चिंता मत करो भाई, चिंता क्यों कर रहे हो भाई, टेंशन नहीं लेगा भाई, टेंशन देने का भाई। तो भाई मैं भाई ये जो आपको मतलब ये जो आपको देखना है, ये सारे रेयर से लेकर सुपर रेयर से लेकर एपिक से लेकर लेजेंडरी तक सारे ब्रॉलर्स, मतलब मिथिक ब्रॉलर्स भी इंक्लूडेड है, सारे ब्रॉलर्स का मैं एक ऐसा वीडियो बनाने वाला हूँ जहाँ मैं सारे टाइप्स के ब्रॉलर्स चूज करते हैं, मेरे पास नहीं है, मेरे पास 83 में से 23 ब्रॉलर्स है, 83 में से 23 ब्लॉर्स मेरे पास है, और जो ब्लॉर्स मेरे पास नहीं है वो ब्लॉर्स मैं आपको उन ब्लॉर्स का टेस्ट करके मैं आपको पूरा एक वीडियो वो पूरा एक वीडियो मैं यूट्यूब पे डालने वाला हूँ। एंड भाई अगर आप चाहते हो कि वो वीडियो आए तो प्लीज़ भाई फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई, बिकॉज अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई क्या किया क्या भाई, तो फटाफट से भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई, हमारे 900 सब्सक्राइबर्स तो भाई ऑलरेडी हो ही चुके हैं भाई, और कितना ही बाकी है भाई, तो भाई सिर्फ 900 सब्सक्राइबर्स तो बाकी है, तो आप सब्सक्राइब कर देना भाई, दिक्कत क्या आ रही है आपको, दिक्कत क्या आ रही है भाई, सब्सक्राइब कर दो भाई, फ्री है भाई, भाई आप सब्सक्राइब कर सकते हो भाई अगर आप चाहो तो, अगर आप चाहते नहीं आपको करना ही पड़ेगा सब्सक्राइब, तो भाई वीडियो आपको अगर अच्छी लगी तो लाइक भी कर देना। एंड भाई हमारे 900 सब्सक्राइबर्स तो हो चुके हैं, 939 है, एंड भाई 1K सब्सक्राइबर्स होने में ज़्यादा बचे नहीं है भाई, फटाफट से सब्सक्राइब कर दो भाई, सब्सक्राइब का बटन दबा दो भाई, उस रेड बटन को दबा दो, ऐसे अब तक ब्लैक हो गया तो भाई ब्लैक बटन को ही दबा दो भाई, एंड दबा कर भाई मतलब सब्सक्राइब कर दो भाई, अगर आप सब्सक्राइब करोगे ना तो भाई मुझे आपकी दुआ मिलेगी, एंड उसके साथ साथ भाई 1K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाएंगे, एंड आपको तो पता ही है कि गाइस कि मैं 1K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने पर लाइव स्ट्रीमिंग करूँगा, तो भाई फटाफट से इसीलिए मैं बोल रहा हूँ भाई 900 सब्सक्राइबर्स से भाई फटाफट से 1K सब्सक्राइबर्स करवा दो भाई, 939 सब्सक्राइबर्स अभी मेरे चैनल पर, तो फटाफट से भाई सब्सक्राइब कर लो, एंड भाई 1K सब्सक्राइबर्स कर दो, ठीक है 1000 सब्सक्राइबर्स कर दो, एंड अगर भाई अगर आप लोग 1000 सब्सक्राइबर्स करते हो, अभी तो 939 सब्सक्राइबर्स है, अगर आप 939 से मुझे 1000 सब्सक्राइबर्स करते हो तो भाई आपके लिए दो भाई मेजर सरप्राइजेस है, एक सरप्राइज तो आप लोगों को पता ही है ऑलरेडी कि भाई लाइव स्ट्रीमिंग होने वाला है भाई, मैं बस लाइव स्ट्रीमिंग का सॉफ्टवेयर मैंने ऑलरेडी रेडी कर लिया, एंड दूसरा जो मेजर है
वो मैं आपको बताने वाला हूँ भाई। वो है कि भाई जो मैंने आपको बोला कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो ब्रॉलर्स है वो उनके जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रॉलर्स रेयर से लेकर सुपर रेयर से लेकर एपिक से लेकर मिथिक से लेकर लेजेंडरी से लेकर जो भी मेरे पास नहीं है उन ब्रॉलर्स को भाई मैं खेल के दिखाने वाला हूँ एक पूरी वीडियो में। एंड पूरी वीडियो में जब मैं खेल के दिखाने वाला हूँ भाई तो भाई उसमें भाई मैं पूरी वीडियो में सारे जो ब्रॉलर्स जो मेरे पास अभी तक नहीं है जैसे मैंने बोला रेयर से देखकर लेजेंडरी था मैं सारे ब्रॉलर्स ट्राई करने वाला हूँ। एंड ट्रेनिंग ग्राउंड्स में उनका प्रैक्टिस भी आपको दिखाने वाला हूँ कि किस ब्रॉलर का कैसा पावर है एंड किस ब्रॉलर का कैसा डैमेज है कैसा हेल्थ है कैसी उसकी एबिलिटीज़ है। एंड फिलहाल यार हमारा टीम फर्स्ट हो गया तो भाई इसीलिए भाई मैं बोल रहा हूँ भाई फटाफट से देरी मत करो इस वीडियो को छोड़ कर मत चले जाना इस वीडियो को देखो एंड उसके बाद भाई क्रिकेट चैनल को भाई सब्सक्राइब कर दो एंड भाई 1K भाई 1K 1000 सब्सक्राइबर्स भाई कंप्लीट कर दो 1000 सब्सक्राइबर्स मतलब 1K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर दो गाइस। हमारे भाई ज़्यादा बचे नहीं है सिर्फ 939 सब्सक्राइबर्स बचे रहे 939 से भाई 1000 करना भाई कोई बात नहीं है भाई छोटी मोटी बात है तो फटाफट से कर दो यार क्या कर क्या रहे हो भाई 939 से लेकर भाई 1000 कर दो क्या कर रहे हो भाई फटाफट से सब्सक्राइब करो। एंड मैं यही बोलूँगा कि 939 सब्सक्राइबर्स अभी हमारे हैं नहीं फटाफट से सब्सक्राइब करो जिससे भाई हमारे फटाफट से 1K मतलब 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाए हज़ार मतलब ही 1K सब्सक्राइबर्स हो जाए तो सब्सक्राइब करो भाई फटाफट से जिससे हमारे 939 सब्सक्राइबर्स से 1K सब्सक्राइबर हो जाए। एंड फटाफट से भाई मैं आप लोगों के लिए लाइव स्ट्रीमिंग करूँ एंड वो मेजर वाला ब्रॉल स्टार्स का सरप्राइज वीडियो लाऊँ ठीक है मैंने बहुत बार ही बोल दिया एक्चुअली। फिलहाल यार जो जिसके लिए भाई मैंने आज का वीडियो बनाया है वो ये है कि भाई जो 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 मतलब जो स्पॉन्जबॉब को जो अनलॉक हुआ है ये है कि भाई आज भाई मतलब डिफरेंट डिफरेंट ब्रॉलर्स की डिफरेंट डिफरेंट एबिलिटीज़ आई है जैसे कि मार्क्समैन ब्रॉलर्स के लिए कुछ चीज़ जैसे कि पैटी पलेट या पैटी पलेट सिर्फ वैसे टैंक ब्रॉलर्स के लिए स्पैचुला सिर्फ असासन ब्रॉलर्स के लिए लाइक एजगर असासन ब्रॉलर है कैल्पसोडा ये कैल्पसोडा सिर्फ सपोर्ट ब्रॉलर्स के लिए है फिर कैटेबल बबल ये सिर्फ कंट्रोलर के लिए है जैसे कि एम्स हो गया EMZ हो गया फिर जेसी हो गई एंड ये जिराफ बबल अनलॉक करना बाकी है बाकी ये आप देख सकते हो ये मार्क्समैन ब्रॉलर्स को अफेक्ट करता है जैसे कि मेरे पास एक ही मार्क्समैन ब्रॉलर है जो कि ब्रॉक है तो उसको अफेक्ट कर रहे हैं। एंड डूडल पाइनएप्पल ये आर्टिलरी ब्रॉलर्स को अफेक्ट करते हैं जैसे कि बार्ले हो गया डायनामाइक हो गया फिर नाइट पाइनएप्पल ये सेकेंड लेवल है मतलब यहाँ पे लेवल्स है लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 जितने लेवल्स उतना ज़्यादा पावर बढ़ेंगे एंड ये कुछ ही दिन के लिए अवेलेबल है सिर्फ पावर अप्स। एंड ये एक और स्पैचुला जो कि लेवल 2 है ये चंप अगर अभी तक अनलॉक नहीं हुआ है गाइस अभी मैं अनलॉक करने वाला चंप बॉल्स में अनलॉक नहीं हुआ है अभी तक लास्ट करने में अनलॉक करने वाला हूँ बिकॉज ये मार्क्समैन ब्रॉलर्स का अनलॉक कर मतलब मार्क्समैन ब्रॉलर्स के फिट करते हैं बाकी तो भाई अभी तक मतलब कोई मैंने अनलॉक नहीं किया है यही इतना तक अनलॉक किया मैंने। एंड फिलहाल आप देख सकते हो भाई 3000 ट्रॉफीज मैंने जीत ली है गाइस 3000 ट्रॉफीज भाई नॉट अ मैटर ऑफ जोक गाइस तो 3000 ट्रॉफीज मैंने जीत लिया है। एंड भाई स्टार रोड में मैं अभी तारा को अनलॉक करूँगा इसको अनलॉक करने के लिए भाई 1900 भाई क्रेडिट्स लगने वाले हैं। एंड नेक्स्ट जो मैं आपको बता रहा था लेजेंडरी है ये मैं आपको ट्राई करके दिखाने वाला मतलब ये आज की वीडियो में तो नहीं ट्राई करने वाला बट जब आप 939 सब्सक्राइबर्स मतलब अभी आप 939 सब्सक्राइबर्स हमारे चैनल पर जब आप 939 सब्सक्राइबर्स भाई हमारे 1000 मतलब 1K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर देंगे जब आप 900 मतलब 939 सब्सक्राइबर्स जितने हमारे चैनल में 939 सब्सक्राइबर्स से लेकर 1000 मतलब 1K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर देंगे 1K जब आप 1K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर देंगे भाई तब भाई मैं इन सारे ब्रॉलर्स को भाई अपग्रेड तो करने ही वाला हूँ उसके साथ साथ भाई मैं जो रेयर से लेकर सुपर रेयर से लेकर एपिक से लेकर मिथिक से लेकर लेजेंडरी तक भाई मैं सारे ब्रॉलर्स भी ट्राई करके ट्रेनिंग ग्राउंड में आपको दिखाने वाला हूँ कि किस ब्रॉलर का कैसा हेल्थ है कैसा डैमेज है कैसी एबिलिटीज़ है वो ब्रॉलर जैसा दिखता है एंड वो फ्यूचर में कैसा कर सकता है ठीक है। एंड उसकी स्पेशल पावर्स मतलब जो वो क्यों डिफरेंट है बाकी से फिलहाल अभी मैं इसके बाद के मैच में आ चुका हूँ भाई बहुत एडवर्टाइजमेंट हो गई इसके बाद में मैच में मैं आ गया हूँ। एंड फिलहाल भाई अभी तो भाई मैं मारने वाला भाई पहले भाई जन्म होते भाई मेरा टीममेट भाई गया और मेरा टीममेट कौन है हाँ मेरा टीममेट वो है एदगर जो मेरे पास है ऑलरेडी फिलहाल इसको मैं मारूँ इसीलिए भाई इसको मार्क्स भाई 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 तो इसको मैंने मार दिया है। एंड फिलहाल यार मेरा टीममेट आ रहा है वापस एंड ये जो आपको दिख रहा है ना भाई मेरा टीममेट मेरा टीममेट एक और लेकिन नहीं टीममेट एडगर नहीं लेके आया ये वो लेके आया अरे वो जो है एक था ना एक ब्रॉलर जो कि मुझे पता नहीं यार ये ब्रॉलर कौन सा है पर मुझे ये जरूर पता है कि इसकी एबिलिटी क्या है। यार मैं मर गया यार बातें करते करते शिट 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 अरे यार
ये सेकंड वाला मुझे पता ही था ये मरने वाला है भाई। मैं ही भाई एक ऐसे लेजेंडरी बचा था, मैं ही मर गया भाई। रैंक 4 आई है भाई, 0 भाई। ठीक है यार, होता है भाई कभी कभी ऐसा, लेजेंडरी प्लेयर्स के साथ भी अभी ऐसा होता है भाई। ऐसा चिंता करने की कोई बात नहीं है, वरना आप फ्रेंड्स के साथ भी बातें कर सकते हो। एंड मैं किसी क्लब में भी ज्वाइन कर सकता, बिकॉज मैंने 1000 ट्रॉफीज हो गए हैं। 1000 ट्रॉफीज पे आप क्लब में ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस, यहाँ पे आप मेरा नाम भी आपको दिख रहा होगा, ट्रिगर टच। एंड मैं सबसे ऊपर हूँ, फर्स्ट रैंक पे हूँ स्पॉन्जबॉब का एल प्रिमो स्किन। मतलब एल प्रिमो भाई सब ने देखा, बट ये स्पॉन्जबॉब का एल प्रिमो वर्जन है भाई। ये मुझे भाई अनलॉक करना, ये मेरा ड्रीम है भाई। इसके लिए हमको 40,000 कलेक्ट करना पड़ेगा भाई। अभी सिर्फ और सिर्फ भाई 22,670 कलेक्ट हुआ। आप देख लेना, मैं जूम कर दूंगा। यहाँ पे इसको हम प्ले भी कर सकते हैं। इसको प्ले करने के लिए भाई ट्रियो शोडाउन में हमको जाना पड़ेगा, जो कि आपको बता रहा था कि अभी भाई 3 प्लेयर्स का भी शोडाउन आ चुका है गेम में। एंड जो मैं आपको बता रहा था कि क्लब में भाई मेरा रैंक फर्स्ट में था एकदम। एंड हम ये रैंक वाला भी खेल सकते हैं, आपको जो दिख रहा है। पर उसको खेलने के लिए हमको 3 ब्रॉलर्स चाहिए लेवल 9 पर। मेरे पास सिर्फ एक ही ब्रॉलर है डैडी, जिसका नाम लेवल 9 है, पर बाकी सब 8 ब्रॉलर्स पे अटके। तो मैं भाई अपग्रेड करने वाला हूँ फ्यूचर में, एंड रैंक भी खेलने वाला हूँ। तो आपको ये वाली वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो भाई प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप चैनल पे न्यू हो तो भाई चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर देना भाई। हमारे 900 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं, 939 सब्सक्राइबर्स ऑलरेडी हो गए, एंड कुछ सब्सक्राइबर्स बाकी है, 1K सब्सक्राइबर्स होंगे। और सब्सक्राइब कर दो, जिससे हमारे 1000 मतलब 1K सब्सक्राइबर जल्दी हो जाए। फिर उसके बाद मैं भाई ब्रॉल स्टार्स का वो मेजर सरप्राइज वीडियो एंड लाइव स्ट्रीमिंग का भी वीडियो लाने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। Yeah.